गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये सिलसिला, या यूं कहें ये कारवां, खुद से मुखातिब होने का और आपसे मुखातिब होने का एक सदगुरुओं की कृपा से एक मित्रवत माध्यम है। मित्रवत माध्यम इस तरह से कि जब मित्रवत चीज़ें होती हैं तो मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत हो सकते हो, आप भी गलत हो सकते हो, मैं भी गलत हो सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं 100% सही हूँ। और मित्रवत शेयरिंग में सबसे अच्छी बात ये है कि मित्रवत शेयरिंग में आदमी लड़ते 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 झगड़ते खेलता है और आगे बढ़ता है, तो निश्चित तौर पे मित्रवत जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही, या मित्रवत जो शेयरिंग होती है उसकी बात ही अलग होती है। राही जी हमेशा कहते थे कि हम मित्रवत हैं तुम सबके और कल्याण मित्र जैसे हैं। ओशो ने भी कहा है, अब आ जाते हैं सेल्फ टॉक सीरीज जो है ये म्यूचुअल है, वन वे नहीं है, या ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो उपलब्ध होने या पूरी तरह से उपलब्ध हूँ तो बोल रहा हूँ। मैं भी अभी राह में हूँ और जो चीज़ अनुभव में आती है वही चीज़, या कह लें जो चीज़ मैंने सदगुरुओं की संगत से सुनी है, सीखी है, वही चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने एक पर्टिकुलर विषय को उठाया था, उसमें था कि थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन को लेके एक हमारे मित्र हैं मनीष स्वामी, उन्होंने इनपुट अपना कमेंट के रूप में किया कि इस विषय में जो आपको उचित लगे वो चीज़ आप कहो। तो बेसिकली ये सब कुछ, जितने भी चाहे विचार हो, श्वास हो, या कुछ और कुछ जो भी अपन प्रयोग करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो सर्वप्रथम राही जी यही कहते थे, रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। जब तक खुद पे लौट के नहीं आएंगे, खुद के साथ हमारी मित्रता नहीं होगी, खुद के साथ हम खुद को टाइम नहीं देंगे, खुद के साथ नहीं बैठेंगे, खुद से हमारी ट्यूनिंग नहीं होगी, तो आप सोचो कि जितनी भी बातें हैं सिर्फ बातें हैं। क्योंकि सदगुरुओं ने कहा है और कहने के लिए तो सारी बातें कही जा चुकी हैं। राय जी कहते थे कि जो संत सदगुरु हैं वो मात्र 10% लोगों के लिए आते हैं पृथ्वी में, मात्र 10%। तो हम पूछते थे कि राय जी ये 10% का रेशियो कैसे, तो राय जी कहते थे कि 10% का रेशियो इस तरह से कि जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग में 90 लोग तो यूं ही हमेशा ऐसे ही रहे हैं, ऐसे ही रहेंगे, 10% लोगों के लिए राय जी कहते थे कि वो जो थोड़ा सा पुश करने पे पार जिनको उतर जाना है। अब उस दस
10% में कौन है कौन नहीं है ये तो ईश्वर ही जानता है या सदगुरु ही जानते हैं। तो बेसिकली रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट इसलिए भी कि आखिर ये सब करेगा कौन, देखेगा कौन, समझेगा कौन, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों या अन्य कोई। जब इंटरेस्ट उस विषय में होगा या जब इस तरह की बातें सुनने समझने की कोशिश आदमी करेगा तब तो रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। ओशो ने एक जगह कहा है कि देर यदि है तो कारण तुम हो और यदि अंधेर है तो कारण तुम। इसका क्या मतलब? यदि मैं उपलब्ध नहीं हूँ, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो फिर कारण कौन? क्या पड़ोसी कारण है, घर वाले कारण है, बड़े भैया कारण है? कौन कारण है? माता पिता कारण है, भाई बहन कारण है, हमारे गांव के लोग कारण है, हमारे शहर के लोग कारण है, हमारे प्रदेश के लोग कारण है, हमारे देश के लोग कारण है या इस पृथ्वी के लोग कारण है? कौन है कारण? बारीकी से जब देखते हैं, खुद के साथ बैठते हैं, खुद के साथ मुखातिब होते हैं, खुद को समय देते हैं, तो धीरे 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 चीज़ें समझ में आने शुरू होती हैं। अब अपने आप को हम 2 मिनट भी टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने आप को 24 घंटे में 24 मिनट भी समय नहीं दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कुछ बड़ा होने की, तो क्या ये संभव है? मैं अपने लिए भी पूछ रहा हूँ, आप सबसे भी पूछ रहा हूँ, क्या ये संभव है कि 24 घंटे हमारे आपके पास हैं, उन 24 घंटों में हम 24 मिनट भी अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं? और समय जा कहाँ रहा है? भाई जी जो कहते रहे हैं इंडिविजुअल सेल्फ, तो इंडिविजुअल सेल्फ पे तो तब आएंगे, उसके भी पहले रिलेटिव सेल्फ, सेल्फ के 3 उन्होंने प्रकार कहे, राही जी ने 3 प्रकार कहे हैं, रिलेटिव सेल्फ, इंडिविजुअल सेल्फ, एग्जिस्टेंशियल सेल्फ। रिलेटिव सेल्फ के लिए राही जी ने कहा कि आपसे जुड़े हुए लोग जिनके लिए 24 घंटे में आप ज़्यादातर समय आप उनको देते हैं। फिर इंडिविजुअल सेल्फ, जब आप इंडिविजुअल सेल्फ को धीरे धीरे समय देना शुरू करते हैं, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, तो धीरे धीरे एग्जिस्टेंशियल सेल्फ की तरफ, जो मौजूद है, जो इस शरीर को धारण किया हुआ है या जिसकी वजह से सारी चीज़ें हैं, वो जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको सबसे कम समय मिल रहा है, और जो सबसे मतलब सबसे गैर महत्वपूर्ण है उसको सबसे ज़्यादा समय मिल रहा है। बिल्कुल उल्टा, सबसे महत्वपूर्ण एग्जिस्टेंशियल सेल्फ है, उस तक तो पहुंच ही नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल सेल्फ को ही समय नहीं दे रहे हैं। इंडिविजुअल सेल्फ को 24 घंटे में यदि 24 मिनट आप दे रहे हैं, मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ,
और हम बहुत बड़े परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं अपने जीवन में, तो ये कैसे संभव है? ये आज का प्रश्न भी है, मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ और आप सभी से पूछता हूँ। यदि हम 24 मिनट भी अपने जीवन में अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं, इंडिविजुअल सेल्फ को, तो वो जो सबसे महत्वपूर्ण है एग्जिस्टेंशियल सेल्फ, जो इस पूरे ये जो आपको चेहरा और जो आँखें और जो नाक कान बाल चेहरा और कपड़े और सब कुछ दिख रहा है, जो इसको धारण किया हुआ है, जो मौजूद है, जिसके मौजूद होने से सारी कायनात मौजूद, और यदि वो गैर मौजूद हुआ तो सारी कायनात व्यर्थ। तो जो एग्जिस्टेंशियल सेल्फ है उस तक तो हमारी पहुंच ही नहीं। इंडिविजुअल सेल्फ को 24 मिनट 24 घंटे में नहीं दे रहे हैं, 2 मिनट बैठ नहीं रहे हैं अपने साथ, 2.4 मिनट भी यदि बैठ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ। तो एग्जिस्टेंशियल सेल्फ की तो कोई खोजी खबर नहीं है, और बड़े बड़े परिवर्तन की हम उम्मीद करें तो कैसे संभव? इसके लिए कौन कारण है? बहुत बहुत धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। ये प्रश्न मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ और सिर्फ अपने आप से पूछ रहा हूँ। धन्यवाद, शुभ दिन हो आपके लिए, बेहतरीन दिन हो।